आदि रंग उत्सव में लगे जनजातीय शिल्प कला के स्टालों पर हम निरंतर अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी किस तरह की पारंपरिक शिल्प कला है, आज भी कितना विद्यमान है, यही जानने के लिए हम पहुँचे हैं। भील जनजाति के लोग उनके बीच पहुँचे हैं, उनके बीच हम समझते हैं कि आखिरकार ये जो उनके पारंपरिक परिधान है और ये जो शिल्प कला के माध्यम से उन्होंने जो स्टॉल लगाया है, किस तरह का संदेश वो देना चाहते हैं। और साथ में ये भी हम जानेंगे कि इनकी जो शिल्प कला है कितने हज़ार साल पुरानी है, किस तरह से ये परिधान विशेष तौर पर आदिवासियों के लिए तैयार करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश गाडरिया है, अलीराजपुर जिला तहसील जोबट के रहने वाला हूँ। जोबट? हाँ, जोबट। अच्छा, ये बताएंगे जो पारंपरिक परिधान है किस तरह से इनको तैयार कौन करता है, कौन बनाता है इनको? ये तैयार हम ही करते हैं, हम खुद करते हैं। ये हाथ से बुनाई होती है, इसकी मशीनिंग के माध्यम से? हाथ से होती है। ये गोफन है जी, ये पत्थर मारने की है, आदिवासी की रीति रिवाज की है चीज़, ये पुरानी चीज़। अच्छा, और ये पारंपरिक परिधान जो हमको दिख रहे हैं जिसमें जैकेट्स वगैरह है, इसको किस तरह से तैयार करते हैं? ये हाथ से बुनाई करते हैं, हाथ से। हाथ से ही बनाते? हाँ, हाथ से बनाते हैं। और क्या क्या विशेष है इसमें? हमारे आदिवासी में ये तीर धनुष है जी। ये तीर है, ये धनुष है, हमारे आदिवासी का रीति रिवाज है, क्योंकि हमारे अलीराजपुर जिले में पूरा आदिवासी क्षेत्र है और हर इंसान के पास ये तीर धनुष रहेगी। इसका क्या उपयोग करते हैं अभी आप? इसका जैसे नाइट में खेत में जाना है या कुछ अकेले में जाना है तो तीर कमान लेके ही निकलते हैं हमारे आदिवासी। अच्छा। हाँ, साथ में लेके ही। ये खास मेन चीज है, हथियार हमारी खास चीज है, हथियार। हाँ, ये जो औजार आदिवासियों के जो पारंपरिक औजार है, इनमें केवल तीर धनुष ही है कि और भी कुछ नहीं? और भी है, फालिया है, फालिया धारिया है, और गुप्ती भी है, तलवार भी है, ये हमारे आदिवासी की सभी प्रकार के, सभी, हाँ, सभी प्रकार के जनजाति समुदाय के, जो खासकर भील जनजाति समुदाय के लोग, और क्या विशेषता रखते हैं? कितना पुराना इनका कल्चर है, इनकी संस्कृति कितने साल पुरानी है? ये हमारे हमारे बाप दादा के बाप दादा की से पुरानी चीज मतलब यूज करते आ रहे हैं, हमारे पास बहुत पुरानी परंपरा है ये जी। तो इसको परंपरागत तरीके से निर्वहन कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी इस स्टॉल में बालाघाट में पहुँचे हैं, बालाघाट के जो बालाघाट में पहुंचकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हम बाहर से आए तो यहाँ के लोगों को हम बता रहे हैं कि यहाँ के लोग पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है पूछते, तो हम हमारे आदिवासी अलीराजपुर जिले की जो भी ये चीज़ें हैं ना, हम उनको बता रहे हैं कि हमारे जिले में ये चीज़ें यूज करते हैं आदिवासी, और ये चीज़ें सब हाथ से बनी हुई है, हमारे हाथ सारी चीज़ें हाथ से। हाँ, सारी चीज़ें। और कुछ है विशेष बताने लायक तो? हाँ, ये जैसे रुमाल, ये रुमाल, हाँ, ये हमारे आदिवासी लड़कियां हैं, लेडीज है, ये लेके डांस करती है, नाचना गाना। कौन सा नृत्य करते हैं भील कम्युनिटी के लोग? ये आदिवासी नृत्य नाचते हैं। क्या नाम है नृत्य का, नाम क्या है? जैसे हमारे इधर बैगा नृत्य होता है, सुआ नृत्य होता है, कर्मा होता है, और भी सैला नृत्य होता है, भगोरिया नृत्य होता है। हमारा भगोरिया नृत्य होता है। भगोरिया? हाँ, भगोरिया। भगोरिया की क्या विशेषता है, किस दिन मनाया जाता है ये? भगोरिया होली के 7 दिन पहले भगोरिया मनाया जाता है, 7 दिन रहता है, हर मतलब क्षेत्र में, हर बाजार में हाट गिरता है, बाजार रहता है, सप्ताह में 1 दिन रहता है, उस दिन भगोरिया रहता है। भगोरिया? हाँ, भगोरिया। तो भगोरिया के दिन कैसे, क्या मतलब? भगोरिया के दिन हमारा खास विशेषता ये है, आदिवासियों की जैसे बाजार में गए और जैसे जलेबी है, नुग्गी है, मिर्ची, ये खास विशेषती है खाने की। उसकी कोई धार्मिक मान्यता है क्या? हाँ, बिल्कुल है। इस तरह की मान्यता है ये, मतलब क्या बोलते हैं, आदिवासियों का खास मेन ये है, पान खाना है, एक दूसरे गले में हाथ डाल के नाचना है, घूमना है, लड़के लड़कियों दोनों हाथ मिला के ना पान एक दूसरे को खिलाना है, ये हमारे आदिवासियों के ये। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँ, अलीराजपुर में आदिवासी समुदाय शिक्षा की ओर अग्रसर हुआ है या नहीं? वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी बहुत कम था, अब जागरूक हो रहे हैं। अब हो रहा है? हाँ, अब हो रहा है। तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, अब बढ़ रहा है। और अपने संस्कृति और सभ्यता को भी मेंटेन कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। तो जिला अलीराजपुर से दिनेश गाडरिया को आप सुन रहे थे, ये विशेषता भील कम्युनिटी से आते हैं और इन्होंने बताया कि इनके जो पारंपरिक औजार है उनका यह हमेशा अपने प्रयोग में लाते हैं, खासकर इनके जो समुदाय के नृत्य होते हैं या जो भी त्यौहार होते हैं उनमें इनका खास तौर पर पारंपरिक तौर से पूजा करके उनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इनके पारंपरिक परिधान
जो कि विशेषतः आदिवासियों की अलग आइडेंटिटी को यहाँ पे दर्शाते हैं, क्योंकि ये परिधान ही है जो आदिवासियों का अलग जो कल्चर है उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हैं।